किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसकी गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गांव वासियों को मुख्य धारा में लाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गांव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गांव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित गांव रहटोल पड़ा। लगभग 5000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 17 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान रामकिशोर शर्मा है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए, तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 142 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए, तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 12 सीसीटीवी रोड, 6 आवास, विद्यालय में शौचालय तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 26 शौचालयों का निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में 35 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 5 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 210 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 22 सोलर लाइट भी लगवाई गई है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, सड़क निर्माण, शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम राम प्रकाश है, मैं ग्राम प्रधान का पति हूँ और मैं गांव रहटोल का रहने वाला हूँ। मेरी ग्राम पंचायत रहटोल है और मैंने इस गांव में यानी कई सड़कें सीसी टाइल डलवाई हैं और कई खरंजे डलवाए हैं और सोलर लाइट लगवाई हैं और स्कूल में भी शौचालय बनवाया है और गांव में भी शौचालय बनवाए हैं। मेरे द्वारा आवास भी बने हैं और मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री से कि मेरी ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक पैसा भेजा जाए और मैं काफ़ी विकास करा सकूँ, जो कि मेरे गांव में उन्नति हो और मुख्यमंत्री का भी नाम हो। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर ना मिलने के कारण गांव में विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। ये शौचालय प्रधान जी ने बनवाया है, ये अच्छा काम कर रहा है। बोलो। मेरा नाम भागवती है, मैं झोपड़ी में रहने वाली हूँ। मेरे घर वाला खत्म हो गए हैं, मेरे को पैसे भेजना चाहिए, मेरे को रहने का ठिकाना नहीं है।